हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पल्स डिलीशियस। आज हम बनाएंगे जो बनाना का फूल है ना, उसका मतलब सब्जी बनाएंगे। तो इसका जो बाहर का जो छिलका मेरून कलर का, उसको हम निकाल देते हैं। फिर अंदर का जो फूल टाइप का मतलब जैसे बनाना होता है, उसी को हम निकाल देंगे सारे के सारे। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी टाइप का निकाल देंगे। फिर उसका अंदर एक केसर टाइप का होता है, जैसे फूल का बीच में, सब फूल के बीच में होता है ना, उसी टाइप का जो केसर है उसको भी हम मतलब जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप का निकाल के इसको अलग रख देंगे और इसको हम फेंक देंगे। और जो इसका अंदर का फूल टाइप का पार्ट है उसको हम सब्जी बनाएंगे। तो इधर देखिए, मैंने इतना मतलब फूल से वो केसर निकाल के इसको इतना रख दिया। इसको हमने रफली मतलब चॉप करना है बस, कि नहीं तो आप मतलब बॉईल करके भी चॉप कर सकते हो, नहीं तो चॉप करके भी बोल सकते हो। मैंने चॉप कर लिया है। इसमें आधा छोटी चम्मच मैंने हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए उबालने के लिए बिठा दिया, जैसे कि उसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा। मतलब इसका पानी को हम ड्रेन आउट कर लेंगे। ये थोड़ा छोटा छोटा होगा इसलिए हम छन्नी की हेल्प से इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए, इसका कड़वाहट जाने के लिए ये मैंने प्रोसेस किया था। इसके बाद कढ़ाई गर्म करने के बाद 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे, उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को तब तक भुनना है उसका कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर चेंज हो जाने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने इधर टमाटर, कटा हुआ टमाटर को डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर हमारा जितना मतलब इंडियन किचन में रहता है मसाला सब डाल देंगे। डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मतलब जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची पाव, धनिया सब और गरम मसाला सब डाल के इधर हम इसको छोड़ देंगे। इधर मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मिट्टी का कढ़ाई था तो चिपक रहा था नीचे से। हमें तब तक भुनना है जैसे कि मसाला पानी मतलब तेल छोड़ दे तब तक। फिर जब ये देखिए मेरा मसाला भी हो गया है, जो हमने बॉयल करके रखा था बनाना का फूल उसको हम डालेंगे। इसके साथ मैंने एक आलू भी डाला है, छोटा छोटा करके काट के एक ही आलू डाला है मैंने। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर कड़वाहट रहेगा तो वो आलू डालने से वो चला जाएगा। ये देखिए, ये मैं उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको ढक रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मेरा आलू 50% कुक हो गया था, क्योंकि बनाना का फूल तो पहले से ही बॉयल था, तो आलू कुक होने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें मैं और पानी दे रही हूँ ताकि हमारा आलू जो अच्छे से पक जाए और सब्जी भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये देखिए, मेरा अभी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी। मैंने अभी गैस बंद कर दिया है, लेकिन ये मिट्टी का कढ़ाई है तो मतलब 2-3 मिनट के लिए इसे मतलब अपने आप ही पकेगा। तो अभी मेरा सब्जी बन के तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।